कुम क्लास, आज हम पढ़ेंगे लीडरशिप की थेरीज के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लास्ट टाइम कि लीडरशिप हमारे पास क्या होती है, लीडरशिप की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, लीडरशिप किस तरह से वर्क करती है, उसकी हमने कुछ थेरीज पढ़ी थी, मॉडल्स पढ़े थे। तो अब हम उसी अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे उसका नाम है कंटेम्प्रेरी थेरीज ऑफ लीडरशिप। कंटेम्प्रेरी मीन्स वो थेरीज, वो वाली मॉड्यूल्स जो कि आजकल प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट सेंचुरी में जो है वो डील कर रही हैं लीडरशिप की फील्ड में। ठीक है जी, इसमें जो हम थेरी नंबर वन पढ़ेंगे उसका नाम है लीडर मेंबर एक्सचेंज थेरी। लीडर मेंबर एक्सचेंज थेरी, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं LMX, लीडर मेंबर एंड एक्स स्टैंड फॉर एक्सचेंज। बेसिकली हमारे पास इस थेरी का क्या कंसेप्ट है कि ये वो थेरी है जो कि सपोर्ट करती है लीडर्स क्रिएशन ऑफ इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। यानी के जो लीडर होता है एक ग्रुप का, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ग्रुप्स जो हैं वो किस तरह से होते हैं, एक उनका लीडर बना दिया जाता है, लीडर जो है वो उन्हीं के ग्रुप का भी हो सकता है, उनके ग्रुप से बाहर भी हो सकता है। तो इस थ्योरी में लीडर क्या होता है कि वो विद इन अ ग्रुप, जो जिसको वो लीड कर रहा होता है उस ग्रुप के अंदर वो एक इन ग्रुप क्रिएट कर देता है और एक आउट ग्रुप को क्रिएट कर देता है। ठीक है जी, लीडर्स इंड्यूस LMX बाय रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज विद हुम दे वांट अ क्लोजर लिंकेज एंड पनिशिंग दोज हुम विद दे डू नॉट। यानी LMX को कैसे करते हैं लीडर के जिन एम्प्लॉयज को, जिन ग्रुप मेंबर्स को वो लाइक कर रहे होते हैं, जो ग्रुप मेंबर्स उनको अच्छे लग रहे होते हैं, जिनको वो फेवर देना चाह रहे होते हैं, वो उनको इन ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, वो उनके साथ अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं जिनको वो लीडर जो है वो अच्छा नहीं समझता, उनके वर्क को वो जो है वो प्रमोट नहीं कर रहा होता, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, या कोई भी लीडर के जो डिफरेंसेस होते हैं जिन लोगों के साथ, उनको वो डाल देता है आउट ग्रुप में। अब इन ग्रुप जो और आउट ग्रुप जो है वो ये सारा वही ग्रुप होता है जिसकी लीडर जो है वो लीडिंग कर रहा होता है। ठीक है, यानी फर्ज करें, सपोज के हमारे पास एक 9 मेंबर्स का ग्रुप है, ठीक है, और एक 10th मेंबर जो है उनका हमारे पास एक लीडर है। तो 9 मेंबर्स में से 5 या 6 लोग ऐसे कोई हो जो उसको अच्छे लगते हों तो वो उनके साथ एक इन ग्रुप बना लेगा, और बाकी 3-4 लोग जो रह जाएंगे जो उसको नहीं अच्छे लगते होंगे वो उनको आउट ग्रुप बना लेगा। यानी उसी 10 लोगों के ग्रुप में से हमारे पास 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, एक थोड़े से बड़े साइज का, एक थोड़े से स्मॉल साइज का। ठीक है जी, फॉलोअर्स विद इन ग्रुप स्टेटस रिसीव हाई परफॉर्मेंस। ये वाले जो लोग होते हैं, चूंकि लीडर जो है वो इनको लाइक कर रहा होता है और इसकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो ये हाई परफॉर्मेंस रेटिंग्स पे चले जाते हैं, लीडर इनको प्रमोट करता है, और इस वाले ग्रुप को लीडर जो है वो समटाइम्स क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है इसके वर्क को, और एक होस्टेज का एनवायरनमेंट, एक हेटरेड का एनवायरनमेंट, एक डिसलाइकिंग का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, रिमेंबर दैट दे बोथ आर द मेंबर्स ऑफ अ सेम ग्रुप। ये कोई और ग्रुप और ये कोई और ग्रुप नहीं होता, एक ही ग्रुप में से ये निकलते हैं, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं, हमने सिचुएशन देखी है जिसमें एक ही लीडर था और वो 2 ग्रुप्स बना रहा था, जिसको हम एक को इन ग्रुप कह रहे थे और एक को आउट ग्रुप कह रहे थे। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि एक टीम के, एक ग्रुप के 2 लीडर्स हैं। अब 2 लीडर्स की सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि डिग्री ऑफ LMX विद बोथ द लीडर्स जो है वो मैच कर रही होगी। ठीक है, एक लीडर कोई ग्रुप बनाता है तो जो उसके इन ग्रुप के मेंबर्स होंगे, क्या पता कि वो दूसरे लीडर के ग्रुप में वही मेंबर्स आउट ग्रुप में हो जाएं। ठीक है, यानी जो इसने यहाँ पे इन ग्रुप में मेंबर्स दिए थे वो इस लीडर ने क्या पता आउट ग्रुप में दे दिए हो,
या इस वाले के जो आउटग्रुप के थे वो इधर के भी आउटग्रुप में हो, या इधर वाले आउटग्रुप इधर में हो। मतलब एक ग्रुप को जब दो या दो से ज़्यादा लोग लीड कर रहे होते हैं, एक टीम लीड कर रही होती है, तो उस टीम का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, टीम मेंबर्स का, वो भी अफेक्ट करता है हमारे LMX के प्रोसीजर को। ठीक है, तो लीडरशिप एक्सचेंज थ्योरी ये कहती है कि एक्सचेंज ऑफ मेंबरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और इसमें बहुत ज़्यादा बायसेस भी आ जाती हैं समटाइम्स, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है वो लूज हो जाती है, लैग कर देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास लीडरशिप की दो फॉर्म्स जो हैं वो बुक में डिस्कस की गई हैं, जिसमें एक हमारे पास कैरिज्मेटिक लीडरशिप है और दूसरी हमारे पास ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है। अब हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कैरिज्मेटिक लीडरशिप जो है वो बेसिकली किस तरह वर्क कर रही है। ये सारी हमारे पास कंटेम्प्रेरी थ्योरी के ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं करिज्मेटिक लीडरशिप को। करिज्मेटिक लीडरशिप हमारे पास क्या होती है? करिज्मा जो है वो हम किसको कहते हैं? हमारे पास एक सर्टन क्वालिटी होती है ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बाय वर्चू ऑफ विच ही और शी सेट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ अपार्ट। यानी ये पर्सन की वो क्वालिटी होती है बाय विच ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ फ्रॉम अदर्स और सेट्स हिमसेल्फ अपार्ट। ठीक है, तो करिज्मेटिक लीडरशिप का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली करिज्मा के वर्ड के ऊपर फोकस कर रहा है। यानी करिज्मेटिक लीडर वो लीडरशिप है जिसमें लीडर जो है वो अपने लोगों को, अपने टीम के मेंबर्स को इस क्वालिटी पे लीड कर रहा होता है कि वो उनमें से कैसे स्टैंड आउट करता है, या वो बाकी मेंबर से, उस अपने सबऑर्डिनेट से किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहा है खुद को, किस तरह से उनमें प्रोमिनेंट होता है, किस तरह से खुद को आइडेंटिफाई करता है, नुमाया करता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास करिज्मा का कंसेप्ट है। करिज्मेटिक थ्योरी हमें क्या कहती है? स्टेटिंग दैट दिस थ्योरी स्टेट्स दैट फॉलोअर्स मेक एट्रीब्यूशंस ऑफ हीरोइक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप एबिलिटीज व्हेन दे ऑब्जर्व सर्टेन बिहेवियर्स इन अदर्स। अच्छा जी, फॉलोअर्स जो हैं वो एट्रीब्यूशंस बना लेते हैं, बिहेवियर रीजंस बना लेते हैं हीरोइक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप की। यानी किसी भी ग्रुप में जो फॉलोअर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो अपनी लीडर की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ की प्रोफाइल बना लेते हैं जिसको देख के वो उसको फॉलो करना चाह रहे होते हैं। यानी उनको अपने लीडर की एक ओवरऑल जो एक अटायर है, उनकी लुक है, वो बहुत अच्छी लगती हो, उनको अपने लीडर का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता हो, उनको अपने लीडर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती हो, अपने लीडर का नॉलेज बहुत अच्छा लगता हो, कोई भी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो कि मेंबर्स समझें कि ये करेक्टरिस्टिक्स हमारे जो है लीडर को स्पेसिफाई कर रही है हमारे मेंबर्स से, हमसे या फिर दूसरे लोगों से, उस चीज़ की बेस पे ये थ्योरी वर्क करती होती है। ठीक है जी, इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विद पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट मेक देम मोर करिज्मेटिक। अब जब हम बात करते हैं कि ये करिज्मा जो होता है, करिज्मेटिक लीडरशिप जो होती है, क्या लोग इसके साथ ही पैदा होते हैं, इस क्वालिटी को लेके वो उनमें इनेट एबिलिटी होती है, या फिर वो करिज्मा उनमें कोई लर्न्ड बिहेवियर होता है, किसी लर्न्ड एक्सपीरियंस का कोई सीक्वेंस होता है, कंसीक्वेंस होता है, तो हमें क्या बताता है रिसर्च? हमें ये बताती है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो इनेटली कुछ ऐसी टेंडेंसीज को लेके पैदा होते हैं जिनको लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी, करिज्मेटिक लीडर्स आर लाइकली टू बी इमोशनली स्टेबल। यानी
जो करिज्मेटिक लीडर्स होते हैं उनकी एक डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि वो इमोशनली स्टेबल होते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी हम किसको कहते हैं कि अगर एक लीडर का किसी मेंबर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है या कोई टाइमिंग का कोई क्लैश हो गया है, किसी ड्यूटी में कोई भी ऐसा किसी भी किस्म का क्लैश हो गया है, तो जो लीडर है वो इमोशनली स्टेबल रहेगा, यानी वो अपने ऊपर कंट्रोल रखेगा कि मुझे अपना काम और कंपोजर जो है वो ब्रेक नहीं करना और मुझे एज अ गुड पर्सन ही बिहेव करना है अपने मेंबर्स के साथ। अगर एक लीडर इमोशनली स्टेबल नहीं होगा तो वो करिज्मेटिक क्वालिटी नहीं रखता होगा, वो लीडरशिप को ख़राब कर देगा। ठीक है, रिसर्च हमें ये बताती है कि करिज्मेटिक लीडरशिप जो है वो सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स का ही जो है वो प्रोविंस नहीं है, उन्हीं की क्वालिटी नहीं है। ऑल ऑफ अस कैन डिवेलप द करिज्मा, ऑल्दो बाज़ लोग जो हैं के उनमें कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं इनेटली, वो कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स लेके कुछ ऐसी जेनेटिक उनमें इन्फ्लुएंस होता है कि जिसकी बेस पे उनमें करिज्मा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम तमाम लोग, आम लोगों में से भी कोई या जो टीम के मेंबर्स होते हैं वो भी किसी ना किसी तरह जो है उन क्वालिटीज़ को डिवेलप कर सकते हैं जिसकी बेस पर वो अपना करिज्मा क्रिएट कर सकते हैं दूसरे लोगों के सामने। ठीक है जी, इसमें हमारे पास एक कंसेप्ट आता है विजन स्टेटमेंट का। विजन स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? अ फॉर्मल आर्टिकुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन्स विजन और मिशन। यानी विजन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्मल लोगो होता है, एक फॉर्मल जो है वो स्टेटमेंट होता है जो उनके विजन को, जो उनके मेन कंसेप्ट को, गोल को हाईलाइट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि हम अगर सेलुलर कंपनीज की हम बात करते हैं तो हर सेलुलर कंपनी जो है वो उसका एक स्पेसिफिक लोगो है। जैस का एक अपना लोगो है, यूफोन का अपना लोगो है, यूफोन वाले कहते हैं कि तुम ही तो, जो उनकी लाइन है उनका वो एक जो है वो उनकी विजन स्टेटमेंट है। इसी तरह जैज की अपनी स्टेटमेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं, जो उनके वेब पेजेस होते हैं उनकी अपनी लाइन होती है। तो विजन स्टेटमेंट बेसिकली वो स्टेटमेंट होती है जिसको लेके कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स सेट करता है और अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क करवाता है उन गोल्स के ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है जी, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हमारे पास क्या होती है? लास्ट लेक्चर में जो हमने मॉडल्स पढ़े थे जिसमें हमारा फेडलर मॉडल था, हमारी सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी थी, हमारी पांच गोल थ्योरी थी, वो हमारे पास ट्रांजैक्शनल जो है वो लीडरशिप थी। ठीक है, उसमें लीडरशिप की ट्रांजैक्शन हो रही थी, उसमें लीडरशिप जो है वो जा रही थी एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ, उसमें ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट था। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है? लीडर्स, ये वो लीडर्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स में जो के इंस्पायर करते हैं रोल मॉडल्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करते हैं अपने वर्कर्स को और उनकी मेंटोरशिप करते हैं। जबकि जो लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट्स पढ़े थे उसमें जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है उसमें क्या होता है, लीडर्स जो हैं वो गाइड कर रहे होते हैं या फिर
मोटिवेट कर रहे होते हैं अपने फॉलोअर्स को, ठीक है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो लीडरशिप। हम ये देखते हैं कि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही टाइम पे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी काम करी होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी काम करी होती है। दे बोथ गो हैंड इन हैंड टू कंप्लीमेंट ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ लीडरशिप इन द सेकेंड सेटिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही टाइम पे ये वाली लीडरशिप भी वर्क करी होती है, ये वाली लीडरशिप भी वर्क करी होती है। इस लीडरशिप को ये कंप्लीमेंट करती है और इस लीडरशिप को ये कंप्लीमेंट करती है, ठीक है जी। ऑल्दो बोथ ऑफ दीज लीडरशिप्स टेंड टू बी इम्पॉर्टेंट, इट अपीयर्स दैट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रुप बिकॉज इट क्रिएट्स अ एनवायरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विद द लीडर। लीडर जब इतनी ज़्यादा क्वालिटीज लिए हुए होगा कि वो इंस्पायर करेगा, रोल मॉडल बनेगा, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करेगा, तो एक ट्रस्ट की बिल्डिंग हो जाएगी लीडर और उसके फॉलोअर्स को के दरमियान में, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की जब हम बात करते हैं तो वो वर्क कैसे करी होती है। वो ऐसे वर्क करी होती है कि वो इम्प्रूव करती है एम्प्लॉई की जॉब सेटिस्फेक्शन को, उसकी सेल्फ एफिकेसी को, यानी वो अपने बारे में कितना बिलीव करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से काम कर सकता है, इसको हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। और इस चीज़ को भी इम्प्रूव करती है कि एक पर्सन जो है वो अपने लीडर के साथ कितना कमिटेड होके, अपने वर्क के साथ, अपने टास्क के साथ कितना कमिटेड होके काम करता है, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की जब हम अगर इवेल्यूएशन करते हैं तो क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके लीडर्स ट्रांसफॉर्मेशनल क्लूज पे वर्क कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके लीडर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप पे काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है। ऑल्दो दे बोथ गो हैंड इन हैंड, लेकिन ये वाली जो लीडरशिप होती है ये ज़्यादा अच्छी होती है ओवरऑल जॉब परफॉर्मेंस के लिए, जॉब एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल होती है, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप जो है वो क्या होती है। पहले हमने पढ़ा लीडरशिप का मेन कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में, फिर हमने कुछ थेरीज देखी, अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप जो है वो किस तरह होती है। ये थेरीज तो हमने देख ली, अब कुछ हम मेन टाइप्स यू कैन से देखेंगे लीडरशिप की, कि हर तरह की लीडरशिप में क्या क्या हो रहा है। अब हम रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप में पढ़ेंगे कि लीडरशिप किस किस तरह की हो सकती है, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर जो होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो किस तरह से अपनी टीम को लीड कर रहा होता है, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप में हम सबसे पहले बात करते हैं जी ऑथेंटिक लीडरशिप की। ऑथेंटिक लीडरशिप हमारे पास क्या होती है, ऑथेंटिक लीडरशिप फोकसेस ऑन द मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग अ लीडर, यानी लीडरशिप के मॉरल एस्पेक्ट्स को ये फॉलो करती है, यानी एक लीडर जो है वो इतना मॉरली ट्रू होता है और इतना उसका मॉरल करेक्टर हाई होता है कि वो एज अ पर्सन अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने मेंबर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं जितना मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करूँगा मेरा बॉन्ड उतना ही अच्छा होगा मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ, और एज अ टीम हम उतना ही अच्छा काम करेंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे से अपने विजन को, अपने गोल को अचीव कर सकेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ऑथेंटिक लीडरशिप का। एक हमारे पास लीडरशिप होती है उसको हम कहते हैं एथिकल लीडरशिप। एथिकल लीडरशिप हमारे पास क्या होती है, इस लीडरशिप में जो हमारा लीडर होता है उसका क्या रोल होता है कि वो खुद भी एक एथिकल वे में बिहेव करता है, यानी उन वेज में जो कि उस सोसाइटी में क्रिएट कर दिए जाते हैं एज
लेजिस्लेशन जिनको अप्रूव कर देती है, जिनको कोर्ट ऑफ लॉ अप्रूव कर देता है, उन रोल्स के तहत जो है वो बिहेव करता है। मॉरल प्रिंसिपल में भी, ऑथेंटिसिटी में भी, ऑथेंटिक लीडर्स में भी, लीडरशिप में भी लीडर मॉरल एस्पेक्ट के पर काम कर रहा था, लेकिन मॉरल एस्पेक्ट जो है वो समटाइम्स लीगल एस्पेक्ट से डिफरेंट होते हैं। एथिकल एस्पेक्ट में क्या है कि यहाँ पे सिर्फ जो लीगल एस्पेक्ट्स होंगे ना, मॉडल जो है, लीडर जो है वो उनको फॉलो कर रहा होगा, और वो खुद भी उनको फॉलो कर रहा होगा, और जो उसके मेंबर्स हैं वो चाहेगा कि मेंबर्स भी उनको फॉलो करें। ठीक है, तो ये वाली लीडरशिप जो है ये ज़्यादा अच्छी लीडरशिप है एज़ कम्पेयर टू दिस लीडरशिप। ये लीडरशिप जो है मॉरल को भी फॉलो कर रही है और एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली लीगल इश्यूज को भी देख रही है। रिसर्च फाउंड दैट एथिकल लीडरशिप रिड्यूसेस इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। जब आप एथिकली बिहेव करते हैं तो इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स भी दूर हो जाते हैं। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स या वो डिफरेंसेस या वो बेसिस जो कि दो लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं इसी चीज़ में, हमारे पास एक और बात आ रही है रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप में, एब्यूसिव सुपरविजन की। ऑथेंटिक और एथिकल लीडरशिप हमने देख ली, अब हम देखते हैं कि एब्यूसिव सुपरविजन जो है वो क्या होती है। एब्यूसिव सुपरविजन हमारे पास क्या होती है, इट रेफर्स टू द परसेप्शन दैट अ सुपरवाइजर इज होस्टाइल इन हिज और हर वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। यानी लीडर जो है वो बिहेव करता है एब्यूसिवली, वो एब्यूसिव बिहेवियर जो है वो उसका वर्बल भी हो सकता है या फिर नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल मीन्स के वो बोल के अपने अल्फाज से, अपनी बातों से अब्यूज करता हो अपने जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको। नॉन वर्बली मीन्स वो बगैर बोले अपने बिहेवियर से या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेस एक्सप्रेशन से दूसरों को जो है वो उनकी इंसल्ट करता हो, उनको अब्यूज़ करता हो। ठीक है, अब्यूसिव सुपरविजन जो है, अब्यूसिव लीडरशिप, यू कैन ऑल्सो से दिस अब्यूसिव लीडरशिप। अब्यूसिव लीडरशिप जो है वो उसके बहुत ज़्यादा बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एक बुरी चीज़ है, एक बुरा बिहेवियर है, तो चाहे वो वर्बली हो रहा है चाहे नॉन वर्बली हो रहा है वो बुरे रिजल्ट्स ही देगा। जो विक्टम्स होते हैं अब्यूसिव लीडरशिप के, उनमें जो है वो ट्रस्ट कम हो जाता है एक दूसरे पे भी, अपनी पर्सनालिटी पे भी, खुद पे भी उनका ट्रस्ट कम हो जाता है और अपने लीडर पे भी कम हो जाता है, क्योंकि वो उनको अब्यूसिवली ट्रीट कर रहा होता है। तो ये चीज़ एज अ होल जो है उनके वर्क एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर डाल रही होती है। लीडरशिप की टाइप्स में हम लास्ट पढ़ेंगे सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप हमारे पास क्या होती है, सर्वेंट लीडर्स जो हैं दे गो बियॉन्ड देयर मीन्स टू बी हेल्पफुल फॉर देयर एम्प्लॉयज और फॉर देयर टीम्स। ठीक है, ये वो लीडर्स होते हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज के साथ एज अ सर्वेंट रह रहे होते हैं, यानी अपने आप को एज अ सर्वेंट जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। मतलब वो अपनी मॉरल जो वैल्यूज होती हैं, जो उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, उनको साइड पे रख के सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए इतना अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, अब जब हम सर्वेंट लीडरशिप और अब्यूसिव सुपरविजन की बात करते हैं तो ये दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। एक लाइन की अगर हम बात करें तो एक लाइन पे चलते हुए अब्यूसिव सुपरविजन जो है वो एक एक्सट्रीम है और सर्वेंट लीडरशिप जो है वो दूसरी एक्सट्रीम है। अब्यूसिव सुपरविजन जो है वो नेगेटिव एक्सट्रीम है और ये जो है ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है। जब किसी को अब्यूज़ किया जाएगा ज़ाहिर है एम्प्लॉयज़ को, तो भी उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, और जब उनका लीडर इतना ज़्यादा जो है वो सबमिसिव होगा कि वो एज अ सर्वेंट खुद को ट्रीट करने लग जाएगा और वो अपने इंटरेस्ट से बियॉन्ड जाके उनको फेवर देने की कोशिश करेगा, हेल्प करने की कोशिश करेगा, तो फिर भी ये चीज़ भी गलत हो जाएगी
एनवायरमेंट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं, ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर एक्सट्रीम्स। लीडर का जो एक बिहेवियर होता है वो इनके दरमियान में कहीं स्टैंड करना चाहिए, जिसमें हमारे पास क्या क्वालिटीज़ हों कि वो ऑथेंटिक हो और एथिकल हो, जो हमने इन दो पॉइंट से पहले पढ़े। ये बहुत ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हैज़र्ड का काम करते हैं, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा लास्ट कंसेप्ट आज के लेक्चर का, पॉजिटिव लीडरशिप। पहले हमने देखा रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, अब हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव लीडरशिप हमारे पास क्या होती है। पॉजिटिव लीडरशिप हमारे पास क्या होती है कि उसमें हमारे पास सबसे पहला जो एक मेन फैक्टर होता है वो किस चीज़ पे होता है? ट्रस्ट की बेसिस पे। ट्रस्ट क्या चीज़ होती है? अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन दैट अनदर विल नॉट एक्ट अपॉर्चुनिस्टिकली। यानी ट्रस्ट वो फिनोमिना है जिसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए दो लोग एक दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला बंदा मेरे जो है मेरी एबिलिटी का, मेरी क्वालिटी का या मेरे अच्छाई का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा, उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं बनाएगा, ठीक है। ये ट्रस्ट जो है दो लीडर्स के दरमियान भी होना चाहिए, एक एम्प्लॉई और एक एम्प्लॉयर के दरमियान भी होना चाहिए, एक ही ग्रुप के दो लोगों के दरमियान भी होना चाहिए। यानी ईच मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट विद अदर मेंबर। वो मेंबर जो है चाहे उसके बराबर वर्क कर रहा हो, चाहे उससे ऊपर लेवल पे काम कर रहा हो, चाहे निचले लेवल पे काम कर रहा हो, जब एज अ होल ट्रस्ट की एक एनवायरनमेंट होगा, ट्रस्ट का एक ट्रस्ट की फिजा होगी, तभी अच्छे से वर्क हो सकेगा और पॉजिटिव लीडरशिप क्रिएट हो सकेगी, ठीक है। ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में जितना अच्छा ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट होता है वो उतने अच्छे वर्क बेनिफिट्स देती हैं अपनी फील्ड में। ट्रस्ट जो है वो कितने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हम देखते हैं। ट्रस्ट जो है वो हमें ये एबिलिटी देता है कि हम रिस्क जो हैं उसको लेने का अफोर्ड कर सकें, हम रिस्क अफोर्ड कर सकें। जब कंपनी के एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ एक दूसरे पे ट्रस्ट करते होंगे, एक दूसरे की एबिलिटी पे उनमें अच्छी बॉन्डिंग होगी, तो वो रिस्क भी इजीली ले सकेंगे। जब एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते होंगे तो वो रिस्क भी नहीं ले सकेंगे। वो कहेंगे कि मेरा फेलो जो है वो सही वर्क नहीं करता तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, या एक होस्टिलिटी के एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ट्रस्ट जो है वो शेयरिंग एंड केयरिंग के एनवायरनमेंट को बिल्डअप करता है। जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में हम बात कर रहे हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में देख लेते हैं, जब दो एम्प्लॉयज़ एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो एक दूसरे के साथ अपने ऑफिस मैटर्स को, अपनी ड्यूटीज़ को, अपने काम को शेयर भी करेंगे, एक दूसरे के लिए केयर भी करेंगे, ठीक है। और ट्रस्टिंग ग्रुप्स जो है वो इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं, और ट्रस्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी को जनरेट करता है। जब मेंबर्स एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे तो वो उतने ही ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर सकेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास एक फिनोमेना आता है ट्रस्ट प्रोपेंसिटी का। ट्रस्ट प्रोपेंसिटी क्या होती है कि एक पर्सन एम्प्लॉई जो है वो कितना लाइकली ट्रस्ट करता है अपने लीडर के ऊपर। एम्प्लॉई जितना ज़्यादा अपने लीडर के ऊपर ट्रस्ट करेगा, उसको लगेगा कि मेरा लीडर मुझे सिंसियरली ट्रीट कर रहा है, मुझसे मेरी एबिलिटीज़ के मुताबिक काम ले रहा है, मुझे मेरे वर्क के ऊपर ऑनेस्टली जज कर रहा है, कोई मेरे साथ पर्सनल ग्रज नहीं रख रहा, तो वो अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। जब एम्प्लॉई ये देखेगा कि मुझे सही तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो उसकी ट्रस्ट प्रोपेंसिटी लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये चीज़ उसकी परफॉर्मेंस भी ख़राब कर देगी, ठीक है जी।
In the work context, trust in an employment relationship may be built on very difficult perception from culture to culture. अच्छा, जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो कल्चर टू कल्चर भी हमारे पास वेरिएशंस आती हैं. जैसे हम इस्लामिक कल्चर में रहते हैं तो हम इस्लामिक लेजिस्लेशन को फॉलो करते हैं, तो हमारे यहाँ ट्रस्ट जो है वो किसी और तरह बिल्ड किया जाता है. हमारे यहाँ मेल फीमेल इंटरेक्शन जो है वो और तरह होता है. दो मेल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो और तरह होता है. अगर हम किसी फॉरनर कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर इंटरेक्शन और तरह होता है, ग्रुप्स और तरह वर्क करते हैं, तो वहाँ पर ट्रस्ट बिल्डिंग का मतलब डिफरेंट है. तो यानी कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रस्ट बिल्डिंग में और ट्रस्ट प्रोपेंसिटी में. एक फैक्टर टाइम भी होता है. टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब आप किसी जगह पे नए होते हैं, आप एक न्यू एम्प्लॉई होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाते दूसरों के लिए, और दूसरे भी आपसे इतना ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट आप पे नहीं करते. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप भी दूसरों पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर पे, और ऑर्गेनाइजेशन भी आप पे ट्रस्ट करने लग जाती है. तो टाइम भी एक फैक्टर होता है हमारे पास. ठीक है जी, यहाँ हमारे पास क्या था कि एक कल्चर एक फैक्टर था और एक टाइम फैक्टर था. ये हमारे पास था ट्रस्ट का काम. अब हम देखते हैं कि मेंटोरिंग जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है पॉजिटिव लीडरशिप में. मेंटोरिंग बेसिकली क्या होती है? मेंटोर एक पर्सन होता है जो कि सीनियर एम्प्लॉई होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो स्पॉन्सर्स करता है और सपोर्ट करता है एक लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई को. यानी इसमें हमारे पास एक मोर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई जो है वो हेल्प करता है, कंबाइन हो जाता है एक लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई के साथ, सो दैट कि वो एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकें अपनी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल के लिए अच्छी तरह वर्क कर सकें. ठीक है, यहाँ पे जो इनका रिलेशनशिप होता है, जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई होता है उसको हम मेंटोर कहते हैं. ठीक है जी, और वो एम्प्लॉई जो लेस एक्सपीरियंस्ड होता है उसको हम प्रोटीज कहते हैं. ठीक है जी, अब प्रोटीज जो है वो फॉर्मल भी हो सकता है. ठीक है, फॉर्मल प्रोटीज भी हो सकती है, इनफॉर्मल प्रोटीज भी हो सकती है. फॉर्मल प्रोटीज क्या होती है? जिसमें कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है उनके लीडरशिप पोटेंशियल की बेस पे. ठीक है जी, इनफॉर्मल मेंटोरिंग क्या होती है? जिसमें रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है मेंटोर और प्रोटीज के दरमियान, चाहे वो एक दूसरे के साथ एक ग्रुप में काम कर रहे हों या फिर नहीं कर रहे हों. ठीक है जी, तो ये चीज़ जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल मेंटोरशिप, फॉर्मल और एंड इनफॉर्मल प्रोटीज जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी लीडरशिप को. जितना ज़्यादा एक अच्छा और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होगा हमारे मेंटोर और प्रोटीज के दरमियान, उतना ही अच्छा मेंटोरिंग का फिनोमिना होगा और उतनी ही पॉजिटिव लीडरशिप जनरेट होगी. अगर एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा हमारे मेंटोर के दरमियान और लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई यानी कि प्रोटीज के दरमियान, तो कभी भी अच्छी लीडरशिप क्रिएट नहीं हो सकेगी. एक हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा और फिर हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा और नया ग्रुप बनाना पड़ेगा. इस चीज़ में पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके रीजंस, अच्छा रिलेशनशिप ना बनने के. कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ एथनिसिटी भी हो सकती है कि कोई किस तरह के बैकग्राउंड से आया है. ठीक है, कोई कुछ भी फैक्टर हो सकता है, एज भी एक फैक्टर हो सकता है. तो जब तक एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं हम बनाएंगे प्रोटीज और मेंटोर का, हम पॉजिटिव लीडरशिप नहीं कर सकेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इसमें हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है, लीडरशिप की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. इसमें हमने देखा LMX थ्योरी, उसके बाद हमने क्रिज्मेटिक रिलेशनशिप देखा, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप देखी हमने, उसके बाद हमने रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप देखी,
ऑथेंटिक और एथिकल उसकी अच्छी टाइप्स थी। उसके बाद दो बैड टाइप्स हमने देखी कि जो बैड एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, वो हमारे पास अब्यूजिव और सर्वेंट रिलेशनशिप था, ठीक है। उसके बाद हमने पॉजिटिव की बात की, पॉजिटिव लीडरशिप की, उसमें हमने ट्रस्ट और मेंटोरिंग को देखा। ट्रस्ट के हमने फैक्टर्स देखे कि किस किस तरह से बनता है, ट्रस्ट की क्या प्रोपेंसिटी होती है, ट्रस्ट टाइम के साथ इंक्रीज़ हो जाता है, डिफरेंट रीजंस होते हैं उसके। उसके बाद हमने मेंटोरिंग को देखा, जिसमें हमने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया एक मेंटोर और एक प्रोटीज के दरमियान, ठीक है जी। यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।